महाराज जी की गजल है। महाराज जी कहते ने कि असी यार इतने दोस्त नहीं किया गया, यार मुर्शिद नु किया गया, सतगुरु नु किया गया कि असी बड़े सिदक न अपने यार नु लगता है, यानी मुर्शिद नु असी तारे है, गुरु असी तारे है, बड़ी रीच न बड़ी दर्द न बड़ी उड़ीक न बड़ी छोड़ा जाती बेहद अंदर तब सानू गुरु मिलिया रूहानी विछोड़ा जिन्हों कहते हैं बिराग। और डेरा कितों चुकया सी, पहला साडा डेरा फर्श ते सी, हुण साडा डेरा अरश ते। फर्श मीन नौ दरवाजे, अरश मीन दसवां दरवाजा कि सतगुरु ने साडा जिहड़ा सुरत दा मुकाम है, जिहड़े कि सुरत मन दे सांझे चा के इंद्रियां दे घाट उत्ते उतरी सी नौ दरवाजे, वह सतगुरु के प्रेम दे विच आ के सतगुरु की चरण दे विच आ के शरण दे विच आ के उसका मुख जिहड़ा सी सुरत तार जिहड़ी मन वाले पासे सी, और जो मन कहिंदा सी सुरत उही करदी सी। हुण इंद्रियां दे घाट उत्ते किस तरह है मन, मन कहिंदा कि मैं खीर खाना, एक मामूली मसाल वह जिहड़ा सुरत की आवाज है कि खीर खानी है मन की, वह सुरत सुनती है क्योंकि सुरत का मुख थले, वह फिर इंद्रिया के घाट उत्ते आ जाती, यानी दबान के रस उत्ते आ जाती, असं खीर खाए। इस तरह ही दूजे स्वाद है जिथे जिथे जिहड़ी जिहड़ी इच्छा साडे अंदर उठती है साडी उसकी बैठक साडी आत्मा की कित्थे हो जाती है, उस स्थान पर। कोई हाथ से काम करना हाथ उत्ते हो जाती है, किधरे जाना है पैरों वाल हो जाती है, यानी वह जी सुरत साड़ी अरश विच सी हुण साड़ी सुरत फर्श तो अरश वाल चली गई दसवें द्वार, यानी सुरत ने शब्द नाल जुड़ गई और गुरु के स्वरूप शब्द और प्रकाश में देखे। फिर उनकी जिहड़ियां प्रवृत्तियां सी, प्रवृत्तियां उन्हों कहिंदे ने नौ दरवाजे वाली इच्छावां, वह निर्वृत्तियां वाले पासे चला गया। निर्वृत्तियां मीनस नौ दरवाजे तो छड़ के दसवें द्वार वाल उसका मुख हो गया। जिहड़े भी जीव भजन बंदगी करते ने नाम जपते ने और सुर शब्द का अभ्यास करते ने उन्हां दी प्रवृत्तियां जिहड़ियां ने वह निर्वृत्तियां बन जाती। निर्वृत्तियां मीनस संसार विच रह के भी निर्लेप होने उन्हां दी आदत हौले 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 बन जाती, लेकिन अभ्यास ना प्रैक्टिस ना उस तरह के मुकाम के उत्ते पिंड तो अंड च यानी ब्रह्मंड जाद्या उत्थे सफेदी यानी वाइट लाइट दिसती है, सफेद रोशनी दिसती है, पीली रोशनी दिसती है, लाल रोशनी दिसती है, लेकिन यह भेद मिलेगा कदों जब तुसी पहली पौड़ी चलोगे नुक्ता है सवेदा यानी तीसरा तिल। जिस वेले भी असी अभ्यास करते हाँ तो साडा मैडिटेशन इत्थों स्टार्ट होता है, इत्थों असी अपनी सुरत नूं टका के ज्यों ज्यों प्रैक्टिस करती है त्यों त्यों जीव में पता लग जाता कि मेरी साउंड कितने हो रही, शब्द कितों आईदा पे, उस तरह ही वह सुर चढ़ाई करती जाती और उस तरह ही वह देखती जाती। इस दे विच कोई यह नहीं कि वो काम जल्दी जल्दी होता है, अभ्यास करते करते बैठे बैठे अद्धा घंटा भी बीत जाता है, पौना घंटा भी बीत जाता है, घंटा भी बीत जाता है, जबकि श्वासों का जरा आना जाना है ये जिनी देर तक सब नहीं आता, समूथ नहीं आता, साफ नहीं आता। सुपना नाट जब जागती पूरी तरह तो तब सही मैंने पता लगता है कि शब्द कितने हो रहे हैं और उत्थे ही जाके ध्यान अपने आप जाता है, उसमें ध्यान सुर शब्द योग है। असी कलयुगी जीव हाँ बड़े कमजोर हाँ, अभ्यास करते करते हले अद्धा घंटा भी नहीं होता, साड़ियाँ लत्तां थक जांदियां, बाहां थक जांदियां। उस वास्ते फिर सतपुरश ने की है कि भक्ति मार्ग जीव के अंदर जरा सतपुर का प्रेम है उस प्रेम ही जरा ध्यान होंदा है उस ध्यान के ही उसकी बंदगी होंगी। देखो संतान ने कितना आसान कलयुग के बंदगी जी जीव कहे ना भी मैं अपने पुरुषार्थ नाल बंदगी कर ला, इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल। जीव अपने आप इन्ना कर सकता है कि रोग अवस्था लेके बैठ जाए, यानी आसन लगा के बैठे, अपनी उस मुद्रा बैठे, भजन सिमरन बंदगी करे,
लेकिन जड़ी वो दया है उसकी अपनी रजा के उत्ते अपने पाने उत्ते कि वो साड़ी सुन प्रकाश दिखाता है या शब्द नाल ही जोड़ता है या दोवें चीज़ों नाल ही दिखाता है ये उसकी दया है। लेकिन असी हर वेले वो दरवाजे पर खड़े हैं बैठना दो टाइम और अगे पिछे भी उसकी तार जी उतरती है कोई पता नहीं चाहे तुम नाते ही पे हो गुसलखाने जिस तार वो उतर गई है अंदरों उस वे गड़बी छड़ के और उस तार को सुन ये असू क्योंकि जब वो तार उतर रही है उस वे कोई वेला नहीं कोई टाइम नहीं कोई कुछ उस वे उस फिर पूरी तरह सुन रूहानी गल्लां बड़िया ही रस वाली खास करके जेड़े जीवन में परमार्थ का शौक है जिसन जिस चीज़ का शौक होएगा वो रस आएगा जिन्होंने फिल्मा देखने का शौक होएगा टीवी देखने का शौक होएगा वो रोटी भी खाई जाएंगे नाल टीवी भी देखी जाएगी क्यों उन्होंने रस आता उस अख का रस है। लेकिन जिसन रूह और शब्द का रस लग गया है परमात्मा का रस लग गया है वो सब नाल उच्चा रस है। तजल्ला कहते हैं नूरी जलवा यानी नूरानी जो भी तुहाडे अंदर प्रकाश आता है वह मूरत देखती है और सूरत जी है वह शब्द में सुनती है दोवें चीज़ा तद कामयाब ने जिथे जिस मुकाम दे उत्ते शब्द आता है अपनी ध्यान यानी अंदर की अख में उसी जगह पर तको लेकिन तकन दे विच अपना टाइम बर्बाद ना करो तकन सुनने ध्यान सुनने जब तुम ध्यान लगाओगे तो वह जो नूरी तजल्ला है वह अपने आप आता जाएगा जाता जाएगा आता जाएगा जा महाराज जी का मैंने सब लोग पहला सबक यह सी कि योगी सिर्फ शब्द में सुनना है नू लाइट वाल ना जाए क्योंकि लाइट वाल अगर असं चले गए तो क्योंकि सन तो आदत है अखा का रस जी चीज़ देखते हैं उधर ही सारी आत्मा चल पेगी इस करके सुरत न शब्द सुनना है शब्द सुनेगी तो ऑटोमैटिकली प्रकाश आएगा जाएगा लेकिन शब्द में सुनना नहीं छोड़ और अक्सर यह होता है कि जिस वे अंदर प्रकाश आता है तो जीव उस वाल ध्यान ज़्यादा शुरू होता है शब्द वाल कटते हैं देना ध्यान शब्द वाल चाहिए और उसको ऐसे ही देखना चाहिए जिमें तुसी जा रहे हो और कोई मेला जा रहा कोई जुलूस जा रहा लंघ गया बिना क्योंकि यह चीज़ अस्थिर है चेंज होती रहती है बदलती रहती है और शब्द जड़ा है वो एक रूप ही रहता है एक तार दे विच आग सच जुगाद सच है भी सच नानक कोसी भी सच वो सच की है सच वो कहने जड़ा कभी नाश ना हो आग तो जड़ा चलता पे शब्द सतगुर में मिलन दे नाल सानू उस शब्द दे नाल साड़ी सुख सतगुर ने जोड़ दी और जड़ा बाहर का झगड़ा सी जिवें 207 मजहब ने वह मजहबों के दुनिया फसी हुई है और उन्होंने कोई कहता है कोई टंग इधर खींचता पे कोई बाँह इधर खींचता पे कोई कुछ लेकिन मजहब के विचों निकल के शब्द तार दे विच जीवा गया और बाहर का झगड़ा खत्म जेड़ा बहुत मुद्दतों तो जिसका कोई गिनती नहीं जेड़ा मुर्शद शब्द रूप के बिछड़िया आया सी वह सानू मुर्शद खाकी चोले दे विच आके सानू शब्द का रास दिता और अंदर दे यार नाल यानी उस कुल मालिक नाल सानू मिला दिता किन्नी लंबी महाराज जी कहते हैं कि मैनू भी किस तरह पता लगा जब मैनू पीर मिलया मैनू गुरु मिलया उसने मुझे मैनू अंदर का रास दसिया और जेड़ा कि सच का राज है जिसका कोई नाश नहीं जेड़ी अमर चीज़ है वह मैंने बख्शी अंदर शरीर के जेड़े नौ दरवाजे मेरी सुरत फसी सी और नौ दरवाजे की किरिया करन दे विच जीव पिया सतपुरश ने आके सुरत में नौ दरवाजे का यानी आवन जावन का चक्कर मिटाया खत्म किया और मैं शब्द के नाल जोड़ के मुक्ति का रस्ता दसिया। गुरु तो वड्डी चीज़ कोई नहीं है संसार दे विच क्या तिन्हां लोकां च क्या सिमरत शास्त्र वेद सब कहते हैं उस दे विच संस्कृत दे विच श्लोक लिखे ने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तत्व।